हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हीलिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल और मेरा नाम सोनी है और फ्रेंड्स आज मैं एक बार फिर पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ और इस वीक की रीडिंग बेस्ड है आपके आने वाले नियर फ्यूचर में मीन्स आपका आने वाला जो हफ्ता है वो कैसा होने वाला है उसमें आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी आपका करियर कैसा रहेगा आपको किस चीज़ का सरेंडर करना है जिससे आपका हफ्ता बहुत अच्छा जाए आप कौन से क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हैं प्लस आपके लिए एक डिवाइन मैसेज क्या है सो दिस विल बी आ वेरी वंडरफुल एंड आ वेरी गुड रीडिंग फॉर ऑल ऑफ़ यू और इस रीडिंग के लिए फ्रेंड्स हमने आज जो मैंने आपके लिए तीन ऑप्शन रखे हैं दिस इज़ ऑप्शन नंबर वन और टोटल दिस इज ऑप्शन नंबर टू बिल एंड दिस इज ऑप्शन नंबर थ्री ब्लैक ऑप्शीडियन क्रिस्टल बॉल सो वट यू हैव टू डू आप सबको करना कि आपने ऑप्शन वन टू और थ्री के हिसाब से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है इनकेस यू आर कन्फ्यूज आपने वन टू थ्री की थ्री चिट्स बनानी है और कोई भी एक चिट पिक करना है एंड दैट विल बी योर ऑप्शन और आप चाहते हैं तो आप एक से ज्यादा ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं तो आई रिपीट वंस अगेन दिस इज ऑप्शन नंबर वन दिस इज ऑप्शन नंबर टू एंड दिस इज ऑप्शन नंबर थ्री हेलो पायल वंस सो दोज हुक्ट दिस टर्टल सो हेयर यहाँ पे जो इस ऑप्शन का मतलब है मीन्स कुछ ऐसी चीज है जो आपके लाइफ में बहुत बहुत स्लो चल रहा है बहुत धीरे चल रहा है और उसके कारण आप लोगों को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत इरीटेशन और फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है इन यू रियली वॉन्ट टू स्पीड अप की जो भी काम है वो फट फटाफट फड़ हो जाए वो जल्दी जल्दी हो जाए क्योंकि आप ऑलरेडी उस पर बहुत ज्यादा समय और अपनी एनर्जीज लगा चुके सो लेट्स डू योर रीडिंग फॉर दिस वीक सो हेयर इज द राइडर वे टैरो कार्ड्स नेक्स्ट विद बी पावर ऑफ लव नेक्स्ट योर चक्रा कार्ड्स

हमेशा बहुत स्लो दिखाता है और यहाँ पर भी डेथ का कार्ड आया है जो अपने आप में बहुत स्लो दिखाता है मीन्स जो भी सिनारी चल रहा है जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में वो बहुत बहुत स्लो चल रही है इसके कारण कहीं ना कहीं लाइफ में इरीटेशन और फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग्स बहुत ज्यादा आ रही है बट मैं सिंपल ये कहूँगी कि यू हैव टू कनेक्ट विथ डिवाइन आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट होना है आपने कंटिन्यू प्रेयर करनी है प्लस होप और फेथ नहीं छोड़ना यस फ्रेंड्स आपने होप और फेथ को नहीं छोड़ना है इफ यू कंटिन्यू योर प्रेयर्स विथ फुल ट्रस्ट एंड फुल होप येस डिवाइन विल डेफिनेटली आंसर योर प्रेयर्स एंड सी द नेक्स्ट कार्ड हाई प्रीस अगेन मेजर अरकाना का कार्ड आया है फ्रेंड्स और डिवाइन यहाँ पे सिंपल बोल रहे हैं कि आपकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है कहीं ना कहीं आपको भी इस बात की पूरी समझ है कि यस डिवाइन आपके प्रेयर्स का आंसर करेगा आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है बट जस्ट ऑफ कि इमोशन इस टाइम पे इस सिनेरियो में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और इमोशनली कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा सा वीक समझ रहे हैं इसलिए सिनेरियोज़ और सिचुएशन पे आपका हंड्रेड कंट्रोल चाह कर भी नहीं हो पा रहा आप चाहते कि सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो बट मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी गाइस कि देखिए जो भी चीज़ें होती है ना हमारी लाइफ में वो डिवाइन टाइमिंग के थ्रू होती है यस वी कैन प्रे यस वी कैन मैनीफेस्ट आर ड्रीम्स की गॉड हमारी और डिवाइन हमारी उन बातों को सुने और जल्दी से जल्दी मैनीफेस्ट करें बट स्टिल ये सारा प्रोसेस भी डिवाइनिंग टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही होता है तो यू हैव टू ट्रस्ट विद द फुल पावर आपने अपनी पूरी पावर के साथ ट्रस्ट करना है और मैं सिंपली यहाँ पे जिस एक चीज़ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही हूँ जो वर्ल्ड मुझे बार बार एंजल सुना रहा है दैट इज़ द मून एनर्जी मीन्स कहीं ना कहीं आपने प्लीज़ मैं यही सजेस्ट करूँगी कि फुल मून एनर्जी के साथ अपने आप कनेक को कनेक्ट करिए प्लीज़ कंटिन्यू क्लिन योर और अपने और को कंटिन्यू प्रोसेस पे क्लींस करिए एंड डू समेयर सो दैट जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे आने वाले समय के लिए वो आप जल्दी कर पाए एंड हेयर इज योर लव कार्ड सो यहाँ पे सी लव कार्ड में भी प्रेजेंट मोमेंट पर आया है मीज फ्रेंड्स आपने आज इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जाना आपको बहुत ज्यादा फ्यूचर की चिंता नहीं करनी इवन पास्ट में भी अगर किसी ने आपको हर्ट किया है या किसी ने भी आपको कुछ भी आपको फील हुआ है कि यार मेरी एनर्जी पास्ट में किसी भी रीजन से लो हो रही है तो आपने उस सिनारी उस सिचुएशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना उसको बिल्कुल उससे कट कर लेना है बेसिकली अपनी उस पास्ट मेमोरी से अपनी आपको कट कट कर देना है एंड जस्ट बी इन दिस करेंट मोमेंट इस मोमेंट में रहना है लव एनर्जी को फील करना है एंड डिवाइन के साथ कनेक्टेड न सो डैट आपका आने वाला हफ्ता जो है वो बहुत अच्छा जाए नाउ आई विल ओपन योर चक्रा कार्ड. so here is your miracles see this is a magic of uh, this modality क्योंकि यहाँ pe जितने भी अगर आप कार्ड देखेंगे ना वो सारे आपस आप में interlink हो जाते हैं so this is a magic और मेरिकल्स की बात हुई है मीन्स आप जो इतने टाइम से जो हार्ड वर्क कर रहे हैं जिसके कारण अब आप आपको रिजल्ट चाहिए कि हाँ मैंने इतना hard work किया है मैंने इतना टाइम डिवोट किया ना I आई something समथिंग कि मुझे वो चाहिए कि वो मेरा पेड ऑफ हो मुझे रिवॉर्ड मिले मुझे award मिले और रिकोनाइजेशन मिले दिस इज़ द टाइम गाइज वो सब कुछ मिल गया बट यू हैव टू ट्रस्ट मिरिकल्स तो ऑन योर वे है गुड न्यूज इज ऑन योर वे है सी हमने बचपन में सपने सुनी थी टर्टल और रेपिड की स्टोरी फाइनली जीता लास्ट में टर्टली है स्लो एंड स्टडी विन दर इज नेवर फॉर गेट दिस कॉन्सेप्ट कि जीते गे तो लास्ट में आपने जस्ट यू हैव टू बी ट्रस्ट आपको डिवाइन टाइमिंग के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है एंड देन

सरेंडर so uh, कि आने वाले हफ्ते में आपने कौन सी एनर्जी को सरेंडर करना है सरेंडर योर फ़ियर ऑफ चेंज मीन्स कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट और सिचुएशन है जो बहुत डरती है कि मैं इस चेंज को कैसे लाऊं या लाइफ में अगर चेंज हो गया फॉर एग्जांपल आप में से बहुत को लग सकता है कि मुझे जॉब चेंज करनी है लेकिन मैं जॉब कैसे चेंज करूं? अच्छी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे बिज़नेस में ग्रोथ चाहिए मल्टीपल बिजनेस करना है बट मैं कैसे करूं? तो कहीं ना कहीं सरेंडर चेंज को लेकर बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन मार्क है पर्सनल लाइफ में भी ये क्वेश्चन मार्क आपके साथ काम कर रहे हैं क्योंकि पर्सनल लाइफ में आप लोग क्या कर रहे हैं आपको पता है कि सामने वाला कंटिन्यू आपके इंसल्ट कर रहा है सामने वाला आपके थॉट प्रोसेस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है एंड सम आप बिल्कुल भी उसको कुछ बोलना नहीं चाहते या चाह कर भी बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनसिक्योरिटी या फियर है मैंने बोल दिया तो क्या होगा सी मैं आई नेवर से कि वी हैव टू गो एंड वी हैव टू इमीजिएटली गो एंड फाइट विद डेट पर्सन नो हमें फाइट नहीं करना पा रिस्पेक्ट मिलना और रिस्पेक्ट मिलना और रिस्पेक्ट देना ये दोनों हर एक रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जितना सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हैं सामने वाला भी हमें उतनी रिस्पेक्ट दे दिस इज़ आ बेस ऑफ ईच एंड एवरी रिलेशनशिप सो रिलेशनशिप में चेक करिए कि आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलता है नहीं मिलता नहीं मिलता तो मैं सिंपल यही कहूंगी कि डोंट एग्रेसिव हम बी वेरी काम एंड रिलैक्स एंड जस्ट पॉइंट अपना आपका जो भी पॉइंट है इसको ओपनली डिस्कस करिए ये चेंज हेल्थ में भी हो सकता है फ्रेंड्स मींस आपको इनर क्योंकि आप लोगों के इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग है इसलिए आपको पता है कि आपको कुछ एक्सरसाइज करना है कुछ हेल्थ के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फोकस करना है और कहीं ना कहीं आप इस चीज को कंटिन्यू इग्नोर कर रहे हैं आप अपने फियर को अपने आगे आने दे रहे हैं मीन्स जो मैसेजेस डिवाइन के थ्रू आपको आ रहा है कि यू हैव टू फेस योर फीयर कि हेल्थ पे काम करना है या जॉब पे करना है रिलेशनशिप पे करना है यू कीप कंटिन्यू इग्नोर कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आपको डरता है कि व्हाट कम नेक्स्ट की नेक्स्ट क्या होगा मैं यहाँ पे ये कहूँगी प्लीज डरिए मत डिवाइन के साथ रहिए एंड सिंपल एक ही चीज बोलिए ऑल इज द वेल सो नाउ आई विल ओपन योर क्रिस्टल कार्ड ट्रिकोनिक एंट्रिगोनिक क्वार्ट्स का कार्ड्स आया है फ्रेंड्स दिस क्रिस्टल एनर्जी ऑलवेज से अगेन ये भी बहुत हाई इंटीटिव पावर्स में हम ये क्रिस्टल एनर्जी यूज करते हैं जैसे मैंने पहले कहा था कि आप लोगों की इंट्यूटिव पावर सीरियसली बहुत स्ट्रॉन्ग है और कहीं ना कहीं इस क्रिस्टल की पावर हमें हेल्प करती हैं हमारा एग्जैक्ट लाइफ पर्पज़ जानने में कि हमारा एग्जैक्ट लाइफ पर्पज़ क्या है और हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं हाउ यू हैव गाइज अ क्लियर आइडिया आपको क्लियर आइडिया कि यहाँ अर्थ में आप फर्स्ट टाइम नहीं आए अब इससे पहले भी बहुत बार आए हैं एंड यहाँ पर अब जो आप आए हैं अपने स्पेशल कुछ लेसन्स लेने के लिए उनको कुछ समझने के लिए आए हैं बट स्टिल इफ यू आर कन्फ्यूज कि uh, क्योंकि देखिए फियर ऑफ चेंज आ गई मैं इन दोनों को आपस में बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ कि फियर क्या है ये ह्यूमन फियर्स है इंसान के फियर्स है जो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे आपके आपकी सोल कॉलिंग तो हो रही है सोल कंटिन्यू गर्ड्स फीलिंग कंटिन्यू बता रही है लुक दिस इज रॉन्ग दिस इज राइट बट बिकॉज फियर्स है इस लाइफ के फियर्स है ये पास्ट लाइफ से नहीं है इस लाइफ के फियर्स है जो आपको आगे आने नहीं दे रही बढ़ने नहीं दे रही है क्योंकि वो डरी बैठी है सो इफ यू विल इफ यू गाइज रियली वॉन्ट टू लिसन योर सोल अगर आप सच में अपनी सोल से कनेक्ट होना चाहते हैं सच में अपने गट फीलिंग से कनेक्ट होना चाहते हैं इफ़ यू रियली वॉन्टेट योर साइख्यिक पावर शुड बी वेरी इंक्रीज तो कमिंग वीक के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस क्रिस्टल की पावर को अपनी लाइफ में यूज़ करिए एंड देन सी द मैजिक एंड इफ यू रियली वॉन्ट टू पाई दिस क्रिस्टल यू कैन कनेक्ट विथ माई थीम टू एंड नाउ दिस इज योर लास्ट कार्ड So, आपके लास्ट कार्ड में फाइनेंशियल एंड मेरिकल चेंजेस का कार्ड आया है फ्रेंड्स मी एन सी हम इफ़ यू आर रेडी टू फेस योर फियर कि अगर आप अपने फियर्स को रेडी हो जाते हैं उनको देखने के लिए उनको एक्सेप्ट करने के लिए तो बिलीव में आपकी लाइफ में फाइनेंशियली चेंजेस आएंगे बहुत सारी गुड न्यूज़ आपको मिलेंगी एंड यू विल सी कि आने वाला जो आपका हफ्ता है ना वो बहुत बहुत खूबसूरत जाएगा सब कुछ आपकी लाइफ बहुत अच्छे से होगा एंड यू हैव टू वन मोर थिंग आपको एक और चीज पे करने की जरूरत है कि हमारी लाइफ में जो भी सिनेरियो है ना जो भी आपकी लाइफ में सिनेरियो चल है जिसके कारण आपको इरिटेशन और फ्रस्टेशन हो रहा है हमारे साथ चलता है ना वो सब कुछ एक गुड पर्पज और गुड रीजन के लिए है नथिंग लाइक की उसके पीछे कोई बैक एंड स्टोरी नहीं है गॉड इज़ वेरी काइंड और उन्होंने किसी पर्पज से वो सिनारी और सिचुएशन क्रिएट किया और बिलीव मी जब तक वो सिनारी और सिचुएशन आपकी लाइफ में ये सब नहीं आते यू कांट बी इन दिस करेंट और प्रेजेंट मोमेंट आप इस मोमेंट में नहीं आ पाते आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती इसलिए ये सारे सीनारीओस क्रिएट किए गए सो डैट यू कैन गेट द ट्रू स्परिचुअल नॉलेज आप इस नॉलेज को क्रिएट uh, समझ पाए एंड इसलिए प्लीज मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जो भी सिनेरियो है ना उसको एज अ पनिशमेंट अपने लाइफ में मत लीजिए कि मेरी लाइफ में क्या कोई पनिशमेंट मिली है व्हाई ऑलवेज मी अपने आप को ब्लेम करना बंद करिए एक्सेप्ट योर सिनेरियो एक्सेप्ट योर सिचुएशन हैव ट्रस्ट हैव फेथ ऑन द डिवाइन पावर एंड डिवाइन एनर्जीज एंड देन गो हैड बिलीव मी अ ब्यूटिफुल सक्सेस फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू एंड नाउ आई विल ओपन अ डिवाइन नंबर टूडे डि माइन नंबर इज थ्री टू फोर सो यू कैन एड ऑन दिस नंबर टू आप इन नंबर को एड भी कर सकते हैं सो थ्री प्लस टू इज फाइव फाइव प्लस फोर इज नाइन एंड लुक फ्रेंड्स नाइन और हमारे नाइन में नाइन को पूर्ण नंबर बोला जाता है मीन्स पूरा नंबर बोला जाता है और सी द मैजिक मैजिक ऑफ दिस होल रीडिंग इस रीडिंग का पूरा मैजिक देखिए नाइन मीन्स जो भी कुछ होने वाला है वो अपने आप में पूरा होने वाला है और हम यहाँ पे सरेंडर स्लो चेंज मेरिकल्स की बात करते हैं मीन्स जो भी सिनारियो है अगर आप डिवाइन के ऊपर पूरा फोकस रखते हैं पूरा फेथ रखते हैं तो यस एवरीथिंग विल बी टर्न आउट इन योर फेवर सब कुछ आपके फेवर में होगा यू वांट जो भी आप चाहते हैं एग्जैक्टली आपको वो सारी चीजें ठीक वैसी दी जाएगी जैसे आप उन चीजों को अपने लाइफ में चाहते हैं सो जस्ट हैव ट्रस्ट ट्रस्ट रखिए एंड जस्ट बी मोर फोकस विद योर एनर्जीज एंड वर्क ऑन द डिवाइन पार्थ सो दिस इज ऑल फॉर पाइल वन नाउ आई एम क्लोजिंग दिस रीडिंग पाइल टू सो पाइल टू आपका ऑप्शन बेल्स है और यहाँ पे बेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगेन एक अनाउंसमेंट मीन्स अभी तक आपने जो काम किया है या तो उनका अनाउंसमेंट होने वाला है या फिर आपके लाइफ में कोई गुड न्यूज गुड कुछ सुनारियोज का बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला है सो लेट्स ओपन योर कार्ड एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग मच डीपे चक्रा कार्ड्स, पावर ऑफ सरेंडर क्रिस्टल कार्ड्स, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग टू ऑफ कप आप लोगों का जो पहला कार्ड आया है वो टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है सेलिब्रेशन का कार्ड आया है एंड अ वेरी गुड रिलेशनशिप का कारण आया है सो so, सी uh, किसी न किसी गुड न्यूज़ के हम सेलिब्रेशन कब करते हैं जब कोई बहुत अच्छी कोई गुड न्यूज़ आ रही होती है हमारी लाइफ में या कुछ गुड सिनारीोज चल रहे होते हैं देन वी आर डूइंग अ सेलिब्रेशन तो आपकी लाइफ में वही सेलिब्रेशन का पॉइंट आ चुका है जब अब आप आपने अपने लव वंस के साथ आपने अपनी लाइफ को इन्जॉय करना है और सेलिब्रेट करना है एंडहेयर इज़ योर सेकेंड कार्ड टावर का कार्ड आया है सो यहाँ पर टावर का कार्ड मुझे सिंपल एक बता एक ही चीज़ एनर्जी दे रहा है और वो आ रही है ईगो की एनर्जी मीन्स सी गुड न्यूज़ अराउंड द कॉर्नर इट्स ट्रू बट कभी कभी क्या होता है हम अपनी ईगो को इतना ज़्यादा मैनीफेस्ट कर लेते हैं इतना ज़्यादा पावर दे देते हैं कि हम आस पास की चीज़ों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हम दूसरों को इतना रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं सो so, मैं यहाँ पे आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इफ़ यू वांट सम गुड थिंग्स सो प्लीज़ जो भी चेंजेस हो रहे अपने आपके लाइफ में ठीक है उसको ईगो के साथ नहीं उसको फुल एक्सेप्टेंस के साथ अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करिए ओपन माइंड ओपन हार्ट उस सिनेरियो को एक्सेप्ट करिए और डिवाइन पर यकीन करिए कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं जो भी न्यूज़ेस आ रही हैं वो आपके हायर गुड्स के लिए कहीं ना कहीं वो एक फ़ियर भी आ रहा है आपकी लाइफ में कि अगर ये जो भी सिनारी चेंज होगा कहीं मुझे प्रॉब्लम्स होएगी मैं कैसे उसमें एडजस्ट करूँगी या करूँगा या मैं आगे कैसे बढ़ूंगा ये आई एम नॉट फील वेरी कंफर्टेबल बट ये सारे जो क्वेश्चन मार्क है ना ये सेलिब्रेशन्स को होने नहीं देंगे और इनके कारण लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी सो so, मैं यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगी कट्स डोंट वर्क लाइक दिस डोंट थिंक लाइक दिस बी ओपन एंड प्लीज ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स कि यूनिवर्स like like आपके लिए जो भी कुछ प्लान कर रहा है ना वो आपके हायर गुड्स के लिए कर रहा है जिससे आप आपकी लाइफ आने वाले समय में बहुत ज़्यादा स्मूद हो पाए यहाँ पे मैं एक और एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट हो रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों की लोकेशन चेंज भी होने वाली है और ये जो लोकेशन चेंज हो रही है ये जॉब के कारण हो रहा है मीन्स जॉब के कारण आप बहुत सारे लोग या तो घर के बाहर जाने वाले हैं या फिर आप लोग अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं अपना बिजनेस चेंज कर रहे हैं जिसके कारण आपको बाहर जाना पड़ सकता है सो so, बिकॉज ये अभी एक पैंडमिक चल रहा था और पैंडमिक में मैक्सिमम लोग घर के अंदर बैठ के काम कर रहे थे वर्क फ्रॉम होम चल रहा था बट आने वाले समय में ये चेंज होने वाला है मीन्स आपको ऑफिस जॉइन कर सक कर, करना पड़ सकता है आपको ऑफिस से काम करना पड़ सकता है एंड इफ अगर यही एक सिनारी आपके लाइफ में आ रहा है तो मेरा आपके लिए सजेशन यही होगा कि प्लीज़ टेक ऑल द मेजर प्रिकॉशंस जितने भी प्रिकॉशंस हैं उनको लेकर ही आगे बढ़िएगा तभी आगे काम करिएगा ऐसे इमिजिएटली मत करिएगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है अगर आप जस्ट ब्लाइंडली आगे बढ़े सो डोंट गो ब्लाइंडली बी कम बी रिलैक्स बट यस मेजर चेंजेस तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहे हैं एंड नाउ योर लव कार्ड लेट मी ओपन योर लव कार्ड पास्ट सो पास्ट का कादा है मीन्स गाइस आपने अपनी पास्ट लाइफ को जो भी अभी इस करेंट लाइफ की जो भी पास्ट है उससे कनेक्ट होना है ओके okay? एंड आपने आपके अंदर वो पावर है वो स्ट्रेंथ वो हिम्मत वो करेज है कि आप अपने सिनारियों को सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं मीन्स बदल सकते हैं तो जो भी आपके लव वंस आपके साथ है प्लस आपकी खुद के एनर्जीज़ जो कभी कभी आप चाहते हैं कि यस मेरे साथ कुछ अच्छा हो यस मैं अगर आगे ग्रो करूँ तो उसका फ़ायदा मेरे लव वंस को भी मिले मेरे फैमिली को भी मिले एवरीथिंग भी विल बी ओके बट उसके लिए आपने सबको मोटिवेट करना है आपने खुद भी सेल्फ मोटिवेट होना है और दूसरों को भी सेल्फ मोटिवेट करना है एंड uh, ये सब कुछ जो आपके साथ हो रहा है ना ये आप करेंगे ये इसलिए ये अनाउंसमेंट भी जो गुड न्यूज भी आने वाली है दिस इज ऑल रिलेटेड विद योर पास्ट ये सब आपके पास है मीन्स जो आपने पास्ट में कर्मास किए हैं जो पास्ट में आपने चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश किया आई एम डेम श्योर कि आपके आसपास के की जो सिनेरियो है सिचुएशन है मीन्स यस इट्स ट्रू ये मेरे को एंजल्स ये ही मैसेज वो इतना स्मूथ सिनारी और सिचुएशन में इस लोगों के साथ जेल करने में कभी कभी आपको बहुत दिक्कत आई है पास्ट में स्पेशली बहुत दिक्कत आई है रिलेशनशिप स्पेशली बोलूंगी कि रिलेशनशिप को मेंटेन करने में सीरियसली बहुत दिक्कत आई है बट यस इफ़ यू विल फोकस अगर आप थोड़ा सा और एनर्जीज़ पे फोकस करते हैं और इन पास्ट मेमोरीज़ को भूलते हैं क्योंकि इन पास्ट ने आप मेमोरीज ने सिर्फ आपको हिम्मत देनी थी वो आपको सिखा चुके हैं जो आपका लाइफ लेसन था नाउ यू लर्न अब नाउ यू हैव टू मूव अवे आपने आगे बढ़ना है चलिए अब आपका चक्रा कार्ड ओपन करते हैं सो so, एम्पैस सो इंपास का कार्ड आया है एंड पास का कार्ड सिंपल क्या कह रहा हैं कि दिस इज़ नॉट एंड यहाँ पर एंड नहीं होता है लाइफ विल बी चेंज फॉर बेटरनेस कि आगे के लिए जो लाइफ है वो चेंज होगी एंड सी टावर का कार्ड भी आया था और टावर का कार्ड भी हमें चेंज दिखाता है और ये चेंज हमेशा चेंज फॉर सैडनेस नहीं होता कि जब भी ये चेंज होगा तो हमें कोई दुख मिलेगा या हमें चोट ही लगेगी चेंज यहाँ पे फॉर बेटरमेंट्स है पास्ट में भी मैंने बोला कि पास्ट में आपकी जो सिनारी और सिचुएशन थे वो बेटरमेंट्स के लिए ही आपके साथ हुए थे आज जो आप सेलिब्रेशन चाह रहे हैं जो गुड न्यूज़ चाह रहे हैं वो भी इस चेंज का ही एक पार्ट है जो आपकी लाइफ में हो रहा है तो यू हैव टू बी लिटिल मोर फोकस आपने अपनी एनर्जीज पे अपने स्पेशली अपने आ, मैं यहाँ पे सिंपल बोलूंगी अपने सेक्रल चक्रा पे थोड़ा सा ज़्यादा और फोकस करना है और अपने पे थोड़ा सा और फोकस करना है और आपने वेट नहीं करना है आपने वेट नहीं करना है कि कब सिनेरियो चेंज होगा कब मैं और आगे बढ़ूँगी नो दिस इज योर टाइम गाइज ये आपका टाइम है एंड यू हैव टू स्टार्ट वॉकिंग आपने आज से ही चलना इस पर शुरू कर देना आपका पूरा का पूरा फोकस जो होना चाहिए वो आपके ग्रोथ के ऊपर होना चाहिए आपकी लाइफ पर होना चाहिए कि यस आपने जो अपने टू डू लिस्ट बना रखे जो सेनारी क्रिएट किए जो आपके ड्रीम्स हैं उन ड्रीम्स के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए कि यस दिस इज़ माय गोल दिस इज़ माय ड्रीम एंड आई रियली वॉन्ट टू अचीव दिस कि मेरे को ये सब अपने लाइफ में अचीव करना है तो आपने चेंज से बिल्कुल यहाँ पे डरना नहीं है घबराना नहीं है और हमेशा मान के चलना है कि जो भी चेंज है ये आपके हायर गुड्स के लिए हैं एंड नाउ आने वाले हफ्ते में कौन सी एनर्जी को सरेंडर करना है आपने सो so, आने वाले हफ्ते में जो आपने एनर्जी को सरेंडर करना है वो सपोर्ट एंड लव की एम सरेंडर एंड रिसीविंग तो ये दोनों साइड से होता है फ्रेंड्स कि हम का आपने दूसरों को प्रॉपर सपोर्ट भी करना है जब आप दूसरों को प्रॉपर सपोर्ट करेंगे तो आपको भी यूनिवर्स के थ्रू रिपल इफेक्ट के थ्रू ये एनर्जी आपके लाइफ में आएगी जब आप सामने वाले को लव करेंगे सपोर्ट करेंगे वो भी आपकी इस एनर्जी से कनेक्ट होगा और बहुत जल्दी वो भी आपको एग्जैक्ट वैसे ही लव और सपोर्ट करेगा एंड साथ में एक यही चीज बस बोलूँगी कि प्लीज हर चीज़ को अपनी लाइफ के हर सिनारी को हर सिचुएशन को अकेले अकेले करने की आदत छोड़िए कि मैंने सब कुछ अकेले नहीं करना है मैंने जो भी काम करना है वो सपोर्ट के साथ करना है मिलकर आगे बढ़ना है अकेले आप अपने गोल्स को अपने ड्रीम्स को अगर अचीव कर भी लेंगे नंबर वन इट्स लिटिल डिफिकल्ट नंबर टू इफ यू विल अचीव देर विल बी नो वन आपके साथ कोई नहीं होगा जिसके साथ आप उस मोमेंट को इंजॉय कर पाए सो so यस, yes, इसलिए सपोर्ट यहाँ डिवाइन बहुत क्लियर मैसेज दे है कि मिलकर आगे बढ़िए एक दूसरे के साथ आगे बढ़िए लव की एनर्जी के साथ आगे बढ़िए जिससे आप अपनी लाइफ में आने वाले समय को अपने जीवन में इंजॉय कर पाए एंड अ क्रिस्टल कार्ड फॉर ऑल ऑफ यू सो हेयर इज द हॉल क्रिस्टल विल बी कम और यहाँ पे ये जो क्रिस्टल है ये हमें दिखाता है इमोशनल हीलिंग को मीन्स डो प्र रूटेड इमोशनल हीलिंग यहाँ पर जो आपके टॉक्सिस इमोशंस हैं ओके उनको ये क्लीन करता है उनको क्लीन करके ये यहाँ पर न्यू इमोशंस एनर्जीज डालता है लव एनर्जी डालता है और यहाँ पर आई एम नॉट सरप्राइज और सपो आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल क्योंकि सपोर्ट एंड लव का कार्ड आया है अगेन जो भी आपके टॉक्सस रिलेशनशिप्स हैं इमोशन्स हैं जब वो आपके बॉडी और माइंड और सोल से क्लीन होंगे ओनली देन यू विल ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर पाएंगे और तभी आप अपने पैटर्नस को आराम से हील कर पाएंगे मैनिफेस्ट कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे सो so यहाँ पर मैं यही एक मैसेज दूँगी कि फ्रेंड्स फाइनली आपकी लाइफ में वो पॉइंट आ गया जहाँ पर आपने अपने लाइफ को अपने थाट्स को डी क्लटर करना मीन्स जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं ओके okay, जहाँ पर भी आपको लगता है कि यार मुझे मेरे लव वंस या मेरे फैमिली मेंबर्स या मेरे रिलेटिव्स मेरे ऑफिस खुली बिजनेस पार्टनर्स मुझे सपोर्ट नहीं देते हैं मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते या मेरे थॉट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते यू डोंट थिंक लाइक दैट वे बिकॉज़ ये सारे सिनारी सारी सिचुएशन जो है ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव होते हैं और ये टॉक्सिस का ही काम करते हैं तो आपने इन सब पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है और आपने इस क्रिस्टल हॉलाइट क्रिस्टल की एनर्जीज के साथ काम करना है आपने इसको अपने हैंड में होल्ड करके मेडिटेट करना है प्रेयर करना है कि इस टाइप के जितने भी टॉक्सिस रिलेशनशिप है वो जल्दी से जल्दी क्लीन हो यू कैन हील योर ओन हार्ट चक्रा बिकॉज आपको अपने हार्ट चक्रा को डीप रूटेड जाके हील करना है और जब आप उसको हील करेंगे देन आप देखेंगे कि आपका जो पाथ है क्योंकि हमें चेंज हो रहा है और आपका जो पाथ है वो स्लोली स्लोली अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा अपने आप अप ओपन हो जाएगा एंड एबल टू मूव फॉरवर्ड पास की जो एनर्जीज है वो डिसकनेक्ट हो जाएगी एंड हेयर इज योअर लास्ट कार्ड वाहक्रिल चक्रा सो सी यहाँ पर भी सेक्रल कार्ड आया है फ्रेंड्स और यहां भी सेक्रिल कार्ड आया है और सेक्रिल चक्रा यहाँ पे मुझे दो बातें की इंफॉर्मेशन दे रहा है नंबर वन सेक्रिल चक्रा मुझे एक सिंपल मैसेज दे रहा है आपके लिए कि यस यू आर अ वेरी क्रिएटिव गाइस आप सब बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में क्रिएटिव है एंड यस yes, आपके कहीं ना कहीं डीप रूटेड जो इमोशंस हैं डिज़ायर्स हैं यू रियली यू रियली वॉन्ट टू अचीव आप उनको अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं यू रियली वॉन्ट टू फ्लाई आप उड़ना चाहते हैं स्काई को टच करना चाहते हैं एक न्यू ग्रोथ चाहते हैं आप लोग अपने लाइफ में मैं आई विल जस्ट सिंपली सजेस्ट कि यूज़ दिस कलर एनर्जी सेक्रल चक्रा इस ऑरेंज कलर है तो इस कलर की एनर्जी को आने वाले हफ्तों में प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करिए इन टर्म्स ऑफ आप ऑरेंज कलर का ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा सकते हैं आप इस कलर के कपड़े पहन सकते हैं और इन एंड अराउंड इस कलर को अपने लाइफ में इन्वोक करिए मिनट कॉलिंग करिए जिससे जो ये आप गुड न्यूजेस की हम बात कर रहे हैं ये आपकी लाइफ में जल्दी आ पाए और बिलीव में ये जब चेंज आएंगी तो आपकी लाइफ को ये एक बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में चेंज करेंगी सो जस्ट बी कनेक्ट विद दिस ब्यूटिफुल डिवाइन एनर्जीज एंड नाउ आई एम ओपनिंग योर डिवाइन नंबर सो हेयर इज योर नंबर सिक्स वन थ्री सो सिक्स वन थ्री आप इन्हें ऐड भी कर सकते लाइक सिक्स वन सिक्स प्लस वन सेवन सेवन प्लस थ्री टेन और टेन का नंबर होता है नंबर वन मीन सन का नंबर आया है गाइज अगेन न्यू बिगनिंग का नंबर आया है न्यू बिगनिंग तब भी होती है जब ओल्ड पैटर्नस हमारे ख़त्म हो जाते हैं हम उनको छोड़कर मूव फॉरवर्ड होने के लिए रेडी हो, हो जाते हैं न्यू चैप्टर्स लर्न करने के लिए रेडी हो जाते हैं सो दिस इज़ आ मैजिक ऑफ दिस रीडिंग मैं यही कहूँगी कि, कि इस reading ये इस रीडिंग का फिर से यही एक मैजिक है कि किस तरह से इतनी ब्यूटिफुल तरीके से सारे कार्ड्स कार्ड्स ही नहीं नंबर्स भी डिवाइन नंबर्स भी आपके साथ ईजिली कनेक्ट हो रहे हैं और वो भी आपको एक ही मैसेज दे रहे हैं कि लिव योर पास्ट अपने पास्ट को छोड़िए फोकस ऑन योर फ्यूचर फोकस ऑन योर ड्रीम्स एंड Be ready और accept your change. जो भी changes हो रहे हैं उसके लिए life में ready और उन्हें accept करिए सो दिस इज ऑल फॉर पाइल टू I'm closing the reading. वेलकम पायल थ्री सो आप में से जिसने भी इस प्यूट फुल ब्लैक ऑप्स्ट्रीडियन को select किया है इट मीन्स आप नेगेटिव एनर्जी यस फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को दिखाता है मीन्स हमारे आसपास बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है जिसको हम अपने लाइफ से फॉर एवर क्लियर करना चाहते हैं मीन्स हम हमेशा हमेशा क्लियर हटाना चाहते हैं सो वी रियली वॉन्ट टू वर्क विद पॉजिटिव वाइब्स एंड पॉजिटिव एनर्जी इफ यू रियली वॉन्ट दिस क्रिस्टल purchase, yes, you can connect with my team. They will help you. And now I will open your cards. Your Chakra card, Power of Surrender, Crystal. So now I will open your card one by one. So friends, aya, तो फ्रेंड्स हैंगमैन का कार्ड आया है आप लोगों के लिए पहला कार्ड हैंगमैन का और हैंगमैन का कार्ड हमेशा हमें यही दिखाता है कि हमारे जो सिनारीओ है जो सिचुएशन है हम सब कभी कभी उसको अपसाइड डाउन मीन्स उल्टा देखते हैं उल्टा समझते हैं हम अपने पूरे विजडम के साथ पूरी नॉलेज के साथ काम नहीं करते हैं और हाउ जो भी हमारा सिनारी और सिचुएशन चल रहा है कहीं ना कहीं उसमें एक्सेप्टेंस भी है कि ठीक है जो जैसा चल रहा है ठीक है आई एम कंफर्टेबल हाउ एवर इनर कॉलिंग आपको हमेशा यही बोलती है कि यस यू आर नॉट कंफर्टेबल तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इनर कॉलिंग क्या है आपकी गट्स फीलिंग गट्स फीलिंग्स को अच्छे से पता है कि जो भी चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं आपने सिनेरियो पे सिचुएशन के आगे अपने आप को सरेंडर कर दिया है आप इस सिनेरियो और सिचुएशन को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज करने के उसमें नहीं है कि ठीक है मेरे को फाइट करना है मुझे इसे चेंज करना है या मुझे आगे बढ़ना है तो जैसे भी जो भी चल रहा है यू आर वेरी मच कंफर्टेबल एक और चीज़ बोलेंगे मुझे या सम्भव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि सम्हव आप लोगों के बहुत सारे जो आप लोग हैं जो भी इस वक्त की रीडिंग देख रहे हैं आप लोगों के लेग में और लेग में भी स्पेशली टो तो पार्ट की साइड दर्द है कि कहीं ना कहीं वो दर्द भी आ रहा है सो so अगेन अगर ऐसा भी है तो अगेन वो दर्द है सिनारीो है सिचुएशन है बट अगर अगेन आप उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं आप उसको रिमूव नहीं करना चाहते या उस दर्द और को आप पेन को डिसकनेक्ट नहीं करना चाहते कि मैं कोई मेडिकल हेल्प ले लूं या किसी और तरह की हेल्प लेकर इस एनर्जी को कट करूं ज योर सेकेंड कार्ड डेबल का कार्ड आया है तो नो नीड टू वरी सी डेबल का कार्ड हमें क्या दिखाता है डेबल का कार्ड हमें दिखाता है पैशन डेबल का कार्ड हमें दिखाता है अगेन एडिक्शन को भी तो so, पैशन है काम करने का पैशन है जुनून बहुत ज्यादा है लेकिन कहीं ना कहीं यह पैशन अभी एडिक्शन में कन्वर्ट हो चुका है और एडिक्शन के कारण फ्रेंड्स आप जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें वर्क लाइफ बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है पूरा का पूरा फोकस जो है वो सिर्फ काम को काम के ऊपर दे दिया है फैमिली लाइफ अगेन जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि वो अगेन बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है बिकॉज आप लोग अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली के लिए चाहते तो है करना लेकिन इस पर्टिकुलर आने वाले समय में आप उनको एक ही चीज़ नहीं देना चाहते वो है टाइम कि यू आर नॉट रेडी टू गिव योर वैल्यूएबल टाइम एंड प्रीशियस टाइम टू दिम और आपके लिए आ, जो पाव लव का कार्ड है वो आया है एम्पेथी सो यहाँ पे एम्पेथी का सिंपल मीनिंग है कि मींस आप लोगों के इमोशंस समझते तो है कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये फीलिंग तो है कि यस दे नीड माय टाइम यस दे नीड मी यस दे आर टॉकिंग फॉर माय वेलविंग समझ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग है बट स्टिल आप उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं और अपनी ही दुनिया में अपनी ही सिनारियों में आप आने वाले समय में बंधे रहेंगे जो मुझे बहुत ज़्यादा एंजल जो मैसेज दे रहे हैं कि आने वाले टाइम पर आप सबके ऊपर वर्क प्रेशर और वर्क लोड बहुत ज़्यादा होने वाला है दिस इज़ वन रीज़न जिसके कारण फैमिली टाइम उतना ज़्यादा नहीं रहेगा पूरा का पूरा फोकस और एनर्जी जो है वो सिर्फ आपके काम के ऊपर जाने वाली है एंड हेर इज़ योर चक्रा कार्ड सो so, चक्रा में आपका फॉरगिवनेस का कार्ड आया है फ्रेंड्स सो फॉरगिवनेस का कार्ड आया है और फॉरगिवनेस हमें सिंपल यही बोलता है मीन्स आपने जो भी सिनारीोज है जो भी सिचुएशंस हैं उन्हें फॉरगिव करना है जो भी पास्ट में हुआ है उन पर ज़्यादा फोकस अभी नहीं करना है जैसे मैंने आपसे सिंपल बोला कि अभी आप लोग आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होने वाला है बट अगेन मैं यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू आपको यही मैसेज दूँगी कि यू कांट इग्नोर योर फैमिली आप अपनी फैमिली को इग्नोर नहीं कर सकते हैं आपने उनके साथ कनेक्ट होना है और उनकी सी uh, जब आप उनके साथ कनेक्ट रहेंगे तो आप दिस इज अ वाइस वर्सा कि दे विल आल्सो गेट दैट लव अफेक्शन एंड यू विल आल्सो गेट तो हीलिंग होनी है बेसिकली और ये जो हीलिंग है ये फॉरगिवनेस के साथ होनी है आपने फॉरगिव करके आगे बढ़ना है ज़्यादा माइंड में या अपने हार्ट में कोई भी बैड जो भी मेमोरीज है उससे कनेक्ट नहीं करना है जस्ट गो गो अवे लोगों के साथ अपनी कम्युनिकेशन को जो आपकी है उनको स्ट्रांग बनाइए क्योंकि आगे मैं ये कहूँगी कि वर्क प्रेशर जो आपके लाइफ में आ रहा है उसके कारण फैमिली बाउंडिंग और फैमिली रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है सो so, अगर आपका रिलेशनशिप अगर आपके बेसिकली अगर आपके टॉक्स आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी पावरफुल रहेगी तो ये प्रॉब्लम्स आप अपने कम्युनिकेशन के थ्रू भी हील कर सकते हैं एंड नाउ आई विल ओपन योर सरेंडर कार्ड सो सरेंडर टू ट्रस्ट का कार्ड आया है फ्रेंड्स यहाँ पे सो so, आपने अपने पर ट्रस्ट करना है अपने डिजायर्स पे ट्रस्ट करना है एंड आपने जो आपके सी आप काम यू गाइस यू गाइस आर रियली हार्ड वर्किंग पर्सन आप सच में बहुत मेहनत करते हैं और मैं बार पर कर रही हूँ कम्युनिकेशन मुझे बहुत स्ट्रॉगली यहाँ पे एंजल्स सुना वर्ड जो दे रहे हैं वो कम्युनिकेशन का बहुत स्ट्रॉगली आ रहा है सो प्लीज़ लिटिल बिल मोर फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन उस पर ज़्यादा फोकस करिए अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस करिए कि आपके ड्रीम्स क्या हैं आपके गोल्स क्या हैं आप डोंट अलाउ अदर्स दूसरों को अलाउ मत करिए कि वो आपको गाइड करें कि दिस इज़ अ राइट पार्ट फॉर अचीव ऑल योर गोल्स एंड ड्रीम और दिस इज रॉन्ग नो यू नो क्योंकि आपका आप आपको पता है कि आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ है आपको पता है आप आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं सो so, अगर आप अपनी खुद की इंटरनल पावर्स इन मींस इनर फीलिंग्स पर अगर आप पूरा ट्रस्ट करेंगे सो so, आप अपने लाइफ में ज्यादा से ज़्यादा सक्सेस और ज्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस ला सकते हैं अनहेरिज चक्राकार लैपिस सो आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल गाइज मैं बिल्कुल सरप्राइज ही हूँ लेपिस लजूरी का काटा या लेपिस लजुरी अगेन जो क्रिस्टल है वो कम्युनिकेशन के ऊपर बात करता है और मैं बोल बता भी रही थी कि गाइज आपकी कम्युनिकेशन यस yes, कि जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं यस उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होनी चाहिए इट शुड भी हम जब बोल रहे हैं स्ट्रोंग होनी चाहिए मीन्स इट शुड भी वेरी क्लियर सब कुछ बहुत क्लियर बट इन अ कंफर्ट मैनर इन अ लव मैनर रिस्पेक्ट मैनर में सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि व्हाट यू वांट एंड व्हाट दे वांट एक्सपेक्टेशंस जो है ना हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो एक्सपेक्टेशंस के कारण होती है और मैं ये नहीं कहूँगी एक्सपेक्टेशन रखना गलत बात है नो बट ओवर एक्सपेक्टेशन रखना गलत काम है सो आइदर वाइस वर्स अगर आपकी आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ ओवर एक्सपेक्टेशन है या उनकी आपके साथ है तो दिस विल मेक बी आर ट्रबल ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सो वट यू हैव टू डू यू हैव टू यूज़ अ क्लियर कम्युनिकेशन आप इस क्रिस्टल की पावर को भी यूज़ कर सकते हो और आपस आप में एक दूसरे के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखिए जिससे आगे की जो जर्नी है वो स्मूथ हो पाए एंड हेयर इज योर मैसेज सो क्राउंड चक्रा सो क्राउन चक्र का कार्ड आया है मींस क्राउन चक्रा यहाँ पे हमें सिंपल एक ही बात बताता है फ्रेंड्स मींस बैलेंस को बता एक ही बात बताता है मींस बैलेंस ही अगर हमारा क्राउन चक्रा बैलेंस होता है तो हमारी पूरी बॉडी बैलेंस होती है सो so मैं यहाँ पे आपको एक ही सजेस्ट करूँ सजेशन दूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका क्राउन चक्रा बैलेंस रहे फैमिली में कम्युनिकेशन अच्छी रहे ग्रोथ रहे क्योंकि यू इज आर वेरी हार्ड वर्किंग प्लीज ट्राई टू डू योगा एंड

एंड अपने इस एनर्जी पे थोड़ा फोकस करिए और साथ में डिवाइन के साथ कनेक्ट हुई क्राउन चक्र का कार्ड है तो डिवाइन के साथ कनेक्ट हुई ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर्स करिए मैनिफेस्टेशंस करिए अफॉर्मेशन यूज़ करिए फ्रेंड्स अफॉमेशन बहुत पावरफुल होती है तो आई एम विद आई एम कनेक्टिंग विथ डिवाइन ये भी आप अफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं एंड सिंपल बट येट वेरी पावरफुल अफॉर्मेशन इफ़ यू विल यूज यू विल सी द चेंज आप अपनी लाइफ में आने वाले समय में चेंजेस देखेंगे एंड जो भी अननेसेसरी की जो भी नेगेटिव सिनारी और एनर्जीज हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में हील होने लग जाएंगे एंड देन यू विल गेट अ ग्रोथ एंड सक्सेस इन योर लाइफ एंड नाउ आई विल ओपन अ डिवाइन नंबर फॉर ऑल ऑफ यू

सैटन सेटन का नंबर है शनि का नंबर है और कारमा का नंबर है येस yes फ्रेंड्स ये एक कार्मिक नंबर होता है नंबर एट और हमें यहाँ पे किसी से डरने की जरूरत नहीं है हमें ये नंबर हमेशा यही बताता है कि वी आर ब्लेस हम क्योंकि आप देखिए एट बना डिवाइन सिंबल आया है सो so, ये नंबर ब्लेसिंग्स को दिखा रहा है कि वी आर ब्लेस बट इफ़ वी आर ऑन द राइट पाथ कि अगर हम सही रास्ते से सही तरीके से आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे हमारी लाइफ में ना ही मनी एनर्जी की कभी कोई कमी रहेगी ना ही सक्सेस की रहेगी सब कुछ हमें अबंडेंस में मिलेगा दिस इज़ आर नंबर ऑफ अबंडेंस सो यू हैव टू बी अगेन फोकस मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बोलूंगी इस रीडिंग के एंड में कि आपने जो मेन फोकस करना है वो कम्युनिकेशन पे करना है और फैमिली एनर्जी पे करना है क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ ही आगे बढ़ पाएंगे और उनके साथ ही आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी बहुत सारी सक्सेस मिलेगा जिसको आप अपने लाइफ में एंजॉय भी कर पाएंगे सो नाउ आई एम क्लोजिंग दिस रीडिंग फॉर पाइल थ्री So this is all for this week reading. I hope, guys, you'll really like this reading. Please share your views on a below comment section, and please don't forget to share my video with your loved ones and near one. Now I will come and meet you next week. Till then, bye, tata.